आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा और सिर्फ दो तीन इंग्रेडिएंट का अचार, लीमू का अचार बना रहे हैं। लीमू हमने एक लीमू लिया है, काली मिर्च ली है और नमक, ठीक है। हमने एक पाव लीमू लिए हैं, दो टेबल स्पून भर के नमक लिया है, डेढ़ टेबल स्पून हमने काली मिर्च पिसी हुई ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आधे लीमू का रस निकालेंगे और आधे लीमू को अब इस तरह जो है वो हम इसके आधे लीमू को इस तरह काट लेंगे। ठीक है, इस तरह इसके पीसेस कर लेंगे। हमने एक एक लीमू के जो है वो आठ आठ टुकड़े कर लिए, अगर आप चार करना चाहें तो चार कर लें, ठीक है। और बाकी हमने आधे लीमू का जो है ये देखिए रस निकाल लिया है, ठीक है। अब हम इसमें नमक और काली मिर्च मिलाएंगे। अच्छे से पहले नमक और काली मिर्च में इसको कोट करेंगे। हमने दो टेबलस्पून नमक लिया है और एक टेबलस्पून भर के जो है हमने काली मिर्च ली है, ठीक है। और इसमें अब हम लीमू का जो रस निकाला है वो शामिल करेंगे। अब हम इसको एयर टाइट बर्तन में जो है वो डाल के रख देंगे। जब तक ये लीमू गलेंगे तकरीबन हम आपसे मिलेंगे एक महीने बाद। ये लीमू का अचार जो है बहुत अच्छा होता है, डाइजेशन में हेल्प देता है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। हमने ये सब मिक्स कर लिया है और इसको एयर टाइट इसमें रख के, अगर आपके यहाँ धूप आती है तो आप इसको धूप लगाइए तो ये जल्दी गल जाएगा, और जैसे किसी के यहाँ धूप नहीं आती है तो साए में भी इसी तरह पैक करके रख लीजिए। एक महीने में तकरीबन ये गल के तैयार हो जाएगा, फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से एक महीना हो गया, हमारा अचार बहुत अच्छी तरह से गल चुका है, ठीक है। हमने वप्पे से इसको जो है वो चमचा लकड़ी का चला दिया था, ठीक है। अब हम इसको जो है वो किसी भी कांच के बर्तन में करके और जो है इसको हम फ्रिज में रख देंगे, सही। कांच के बर्तन में करके हम फ्रिज में रख देंगे। ये अचार बहुत ज़बरदस्त है, खिचड़ी वगैरह हर चीज़ के साथ अच्छा लगता है, और ख़ास तौर पे आपको कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम वगैरह हो तो उसमें भी बहुत बेनिफिशियल है। ज़रूर बनाएं, इतनी कम अज्जा है, इतनी कम चीज़ें, सिर्फ तीन इंग्रेडिएंट यानी लीमू, लेमन का जूस, काली मिर्च और नमक, बस। और हमारा अचार तैयार है। बस ये है कि इसके लीमू के छिलके का थोड़ा सा गलने में टाइम लगता है, जो मैंने आपको एक महीने तक बताया, ठीक है। अब आप इसे आराम से फ्रिज में रखकर इस्तेमाल कीजिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन बटन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।